तो गाइस एक्चुअली हम आए थे खरसांग पापा को मिलने के लिए और पापा के शॉप दुकान से थोड़ा अपना मार्केटिंग कर लिया। हम लोग जाने से आंटी पापा उठ जाए। हेलो गाइस, आज मेरे साथ है मिस्टर संजीव, मिस्टर शिवा। हम लोग आज के ब्लॉग में कहाँ जा रहे हैं? अरुणाचल। तो आइए ब्लॉग को शुरू करते हैं। हर हर शंभु, वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश। नहीं, कुछ शायद फेस्टिवल रखा है क्या? लीजिए, आप थोड़ा आप कभी का ब्लॉग कीजिएगा। आप आज के ब्लॉग शिवा के नाम कर, एक्चुअली आज का ब्लॉग जो है वो शिवा करेगा हमारा। तो हम जा रहे हैं जागून से म्याओं की ओर। म्याओं एक्चुअली में फिलहाल प्लान तो नहीं किया, प्लान तो किया खरसांग जाने का। भाई आए घर में, भाई के दोस्त भी है। कोई प्लान नहीं है अभी, फिलहाल कोई प्लान नहीं है। शुरू कैसे करें, कहाँ करें? कहीं से शुरू कर दीजिए। अभी संजीव कुछ बात करेगा, शुरू करेगा संजीव। मेरे पास आए, बताओ यार, हम लोग घर जाना बोल के, तुम बताओ, तुमको दिया गया है। अच्छा बताइए, आप लोग जर्नी कैसा हुआ वो तो बताइए कम से कम। जर्नी तो आपका शुरुआत कहाँ से हुआ? मतलब आप तो संजीव को आके मिले हैं ना? हाँ, 4:30 बजे मेरा तो अर्ली 4:30 बजे शुरू हो गया। और शिवा आप तो कहाँ से आए वैसे? आप तो अमृतसर से। अमृतसर, लेकिन बेसिकली शिवा इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, अमृतसर में। तो वो एक्चुअली रहता है अमृतसर और मेरा भाई रहता है दिल्ली। स्टोरी शुरू करते हैं, शिवा आपका जर्नी बताओ, आप कैसे स्टार्ट करिए? मैं अमृतसर से निकला हूँ 4:30 बजे शताब्दी में और पहुँचा 11:30 बजे पहुंच गया था दिल्ली। फिर संजू के लिए इंतजार कर रहा हूँ, संजू दिल्ली से रहते ही एयरपोर्ट पहुंचने में बहुत देरी लगाया। मतलब बहुत समय लगा दी थी। 12:30 बजे 1 घंटा वेट किया मैंने उधर। मतलब आप कहाँ पे वेट किए? मतलब वैसे एयरपोर्ट में बैठा था। हाँ, पूरा रात फिर एयरपोर्ट में बिताया ऐसा। संजीव आया 12:30 बजे आसपास, फिर हम दोनों मिलाए, शुरू हो गया बात कहानी। यही नहीं, अभी और सुनिए। बहुत दिन हो गया ना मिलके, 1 साल हो गया था संजीव और मैं। उस दिन तो आप लोगों का फ्लाइट तो नहीं था। नेक्स्ट डे 6 o'clock, तो रात भर पूरा बातें चला रहा। तो 6 बजे फिर शुरू हो गया फ्लाइट चेक इन हो गया, फिर कैबिन में घुसा। 6 बजे मॉर्निंग होनी, सीट भी अलग अलग था और मेरा आ गया बीच में, संजीव को भी बीच में आ गया। तो ऐसा नहीं है ट्रेन वाला सिस्टम भैया, थोड़ा आप शिफ्ट हो। वही हुआ था, आप दो ना। पहले वो क्रू को बोला कि इंटरचेंज करो पैसेंजर से, अगर नहीं होता तो मैं मदद करता हूं करके बोला है। तो फतम बाद में सीट स्वैप हुआ। स्वैप हुआ, मेरे बगल में से चेंज हो गया तो संजीव बगल में आ गया। फिर बहुत थका हुआ था एक्चुअली कल, पूरा थोड़ी देर बात किया और टेक ऑफ को एंजॉय किया, उसके बाद आप मिल ही गया। वेलकम ब्रदर। हेलो, स्विट्जरलैंड। असम आके क्या फील हुआ? ऑनेस्ट रिव्यू बताओ। घर को याद ही नहीं आ रहा है इधर आने के बाद। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, माहौल बना हुआ है आपका। नहीं, एक्चुअली संजीव से जब से मिला था घर आ जाओ तो इतना जल्दी मुलाकात हो गया कि हम सोचा ही नहीं था। क्या बात है सर, ये बात है। संजीव का तो बीच में छुट्टी कैंसिल होने के बाद सुन रहा था मैं, मतलब उसका अबाउट तो कैंसिल था। नहीं, हाँ लगभग। मेरा भी लास्ट टाइम में क्या किया मैंने, मेरा भी माइंड ड्यूअल हो गया था, मैं उधर जाऊँ इधर जाऊँ, क्योंकि संजीव नहीं आएगा तो मैं अकेला फिर फजल हो जाऊँगा। फिर थोड़ी देर मेरा घुमा तो फिर मैं रूट प्लान का चेंज भी माइंड में आया था। अच्छा, बट किधर? घर जाने का। अच्छा, पूजा भी करवाया। ट्रू हो गया एक्चुअली, अगरबत्ती का जो पैकेट है ना उसको बांधते हैं ना। फिर जैसे भी हो अप्रूव हो गया है, लीव अप्रूव हो गया। ये है अरुणाचल का मेन, ये बॉर्डर यहाँ से शुरू होता है असम। मैं आपको बोला ना, असम अरुणाचल बॉर्डर इसी से मतलब डिफाइन होता है, ब्रिज उस पार अरुणाचल, ब्रिज उस पार असम। अभी अभी असम और अरुणाचल के एकदम बीच में हम खड़े हैं, खड़े नहीं चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं बस अभी इधर। अभी एग्जैक्टली हम एकदम असम और अरुणाचल बॉर्डर में, ठीक है ना। अब हम क्रॉस करने वाले हैं असम को अरुणाचल के गेट से। तो यहाँ पे एक ये चेक गेट है, ठीक है। मैडम खरसांग से क्या आ रहे?
तो ये है अरुणाचल का गेट. शिवा ने एक दिन में अमृतसर दिल्ली असम में घुमा, आज फिर अरुणाचल. आपने एक ही दिन में दो स्टेट में सवारी कर लिया. GoPro का कहाँ जाबे? ऐसा लगा मेरा मजाक. बट की कोरी तूने? की कोरी? बाहर में काम कोरी. हाँ तो हमने एक यहीं पे किसी को बाइक पर एक पासर को हम लोग ने लिफ्ट दे दिया है. अभी यहाँ तो कैमरा में देखे तो हाई कर दे. हाय. Once more. Hello. कितना दिन से तुम यहाँ पे? छोटा से यहाँ पे बड़ा हो गया. ओ छोटा में यहीं पे बड़ा हो गया. चारों जी मने इटा. हाँ. यहाँ नाम तो लगभग ना. हाँ यहाँ नाम. ठीक है सुन. रोक देने नहीं. इतना सामने में रोक दिली. गर्म धूप बहुत बेसी है ना. मैं जाऊँ से यहाँ आएगी ली. चलो चल चल के. बहुत धन्यवाद. ठीक है भाई. थैंक यू. अच्छा लगता है. सबसे बड़ा अच्छा लगता है. अभी इसने क्या बोला? बोला वो जागुन से आ रहा है खरसांग तक, नामचिक तक. ये नामचिक है. हाँ. तो उसको किसी ने नहीं रोका बोला. तो गाड़ी बहुत रुकाया, किसी ने नहीं रुका. मैं उसको बिना एफर्ट्स का मतलब वो पैदल चल के आया यहाँ पे. मैंने उसको रोका. उम्मीद भी नहीं था. उसने उम्मीद नहीं की, उसने बस रोका. अब मैंने रोक दिया तो वो बोला कोई नहीं रुकाया तो आप रुका, लेकिन ऐसा बोला. तो अच्छा लगता थोड़ा. जो बोला अच्छा लगा. आप हमारे घर आए, बहुत अच्छा लगा. मेरे को भी अच्छा लग रहा है. जो ये इतना सुंदर सुंदर लग रहा है. ग्रीन ग्रीन सारे ग्रीनरी पूरा. शिवा भाई ये हमारा खरसांग. कहाँ संजीव? वो वाला. तो गाइस एक्चुअली हम आए थे खरसांग पापा को मिलने के लिए. पापा के शॉप दुकान से थोड़ा अपना मार्केटिंग कर लिए और बहुत दिन बाद मिले. भाई भी आया और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अभी. मैं मैं एक्चुअली यार मैं तो देख चुका हूँ. भाई लोग को दिखाते हैं थोड़ा जगह. ये आई भी है. आई भी मतलब क्यों नहीं आएगा? आ सकता है. खरसांग बदल गया देखो. तो इसलिए हम कभी नहीं बोलता कि हम गांव में रहता हूँ बोल के नहीं बोलता.